तो क्लासिक मंडे नाइट रॉ इज बैक। हाँ थोड़ी ओवर एक्टिंग होगी लेकिन सही में आज का रॉ का एपिसोड एक बवाल शो था। जो शो था वो शुरुआत से लेके आखिरी तक सही में एक सीजन प्रीमियर वाली फीलिंग दे रहा था। और सोचो अगर हम चाहते कि सेथ रॉलिंस बने WWE चैंपियन और पहली नाइट के ऊपर ही होता है फेटल फोर वे मैच नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए तो सुनने में अनबिलीवेबल लग रहा होगा। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें आज मंडे नाइट रॉ में होती हैं और सर्वाइवर सीरीज से पहले एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है क्योंकि होने वाला WWE टाइटल मैच काफी ज्यादा जल्दी। तो क्या कुछ आज WWE टाइटल की पूरी सिनेरियो रहा मंडे नाइट रॉ में उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो बाकी रॉ के रिजल्ट है रियली सॉरी मैं वो कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो शो की शुरुआत है वो होती है हमारे WWE चैंपियन बिगी के साथ में। वो बताते हैं कि इस तरीके से जो ह्यूस्टन टेक्सास का क्राउड है वो काफी कमाल का और वहां की जो टीम्स वगैरह बाकी स्पोर्ट्स में वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। और आज जो मंडे नाइट रॉ इसलिए उन्होंने सीजन प्रीमियर के लिए ह्यूस्टन टेक्सास को चुना है। और फिर वो बात करते किस तरीके से वो WWE चैंपियन है, उन्होंने क्राउन ज्वेल के अंदर मैकइंटायर को हराया और मैकइंटायर को हराने के बाद एक थोड़ा और न्यू और इंप्रूव्ड बिगी आप सभी के सामने खड़ा है। लेकिन अब वो कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर तो चले गए स्मैकडाउन में, अब कौन है नेक्स्ट चैलेंजर, हु हु हु। और वहां से एंट्री हो जाती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस आते रिंग के बीचों बीच में और वो कहते हैं भैया आ चुके एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ में, रॉ बन चुका है मंडे नाइट रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस को एक चीज चाहिए वो WWE टाइटल है और इस चीज को काफी जल्दी पाएंगे। वो हराने वाले बिगी को, बिगी बनना चाहते हैं ना फाइटिंग चैंपियन, तो भैया बने फाइटिंग चैंपियन या फिर बिगी डरते हैं सेथ रॉलिंस जिस तरीके से यूनिवर्सल चैंपियन डरते हैं सेथ रॉलिंस से। और यूनिवर्सल चैंपियन ने अपॉर्चुनिटी सेथ को तो दी नहीं, तो बिगी तुम एक फाइटिंग चैंपियन बनना चाहते हो या फिर तुम कायरो की तरह जाना चाहते हो सीधा सर्वाइवर सीरीज में और फेस करना चाहते हो रोमन रेंस का। फिर वहां से रे मिस्टीरियो की एंट्री हो जाती है और रे मिस्टीरियो कहते हैं कि भैया मेरा जो रिज्यूमे है वही इनफ है मुझे एक टाइटल शॉट के लिए। और बिगी सेथ रॉलिंस को ये भी कहते हैं तुम एज से हारे हो तो शायद तुम्हें सुनाई कम दे रहा, तुम लाइन के एकदम पीछे हो। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि भैया उन्होंने काफी सारी चीजें अचीव की, अपने सारे अचीवमेंट्स को गिना डालते हैं और वो कहते हैं शायद जो मेरा रिज्यूम है यही इनफ होगा एक बार फिर से मुझे WWE चैंपियन बनने के लिए। फिर वहां से एंट्री हो जाती है फिन बैलर की। फिन बैलर भी अपने पूरे अचीवमेंट्स गिनाते हैं और वो कहते हैं मैं काफी प्राउडली वे में कह सकता हूं मैं मल्टी टाइम NXT चैंपियन हूं। वो बात करते हैं किस तरीके से IC चैंपियन भी बने और उन्होंने काफी सारी और WWE के अंदर चीजें अचीव की हैं लेकिन अभी तक वो यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बने। वहां से केविन ओवस की भी एंट्री होती है। केविन ओवस कहते हैं कि भैया मैं देख रहा हूं काफी लोग अपने एक्लेड्स यानी कि अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो जब लोग बात कर ही रहे हैं मैं भी अपने बारे में बात करता हूं। मैं मल्टी टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, मल्टी टाइम US चैंपियन रह चुका हूं, मैं बन चुका हूं यूनिवर्सल चैंपियन। और सेथ रॉलिंस याद है मैंने तुझे यहीं तो हराया था, तेरे जो सिर है ना वो वहां पे था उसके बिगी के पैरों के पास में और जो तेरे लात वगैरह है वो रे मिस्टीरियो के पास में थी। अब सेथ रॉलिंस को गुस्सा चढ़ जाते और वो हमला कर देते केविन ओवस के ऊपर। तीनों चारों के बीच एक ब्रॉल होता है, बिगी साइड में थोड़ा खिसक जाते हैं। सोने टेबल वहां से आते हैं और वो कहती है कि आज होने वाला है एक नंबर वन कंटेंडरशिप मैच, तुम सभी को WWE टाइटल की अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, तो मेन इवेंट के अंदर फेटल फोर वे होगा फॉर नंबर वन कंटेंडरशिप, फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में। और स्टेट्स को थोड़ा और बढ़ा देते हैं क्योंकि एक लैडर मैच होने वाला, ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो तुम सभी को उतारना होगा। मेन इवेंट के अंदर ये मैच होता है और वो मैच की स्टार्टिंग में केविन ओवंस का बवाल मचा देते हैं लेकिन सेथ रॉलिंस के ऊपर वो लगाने चलते लैडर के ऊपर से यू नो स्वॉन्टन बॉम्ब टाइप का, सेथ रॉलिंस हट जाते हैं और लग जाते हैं तगड़ी सी पीठ पे चोट अपने केविन ओवंस के। केविन ओवंस के मैच में थोड़ा सा खून टाइप भी निकलने लग जाता है लेकिन रे मिस्टीरियो की तरफ से भी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस आती है फिन बैलर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, भाई साहब क्या कमाल का मैच था। और सेथ रॉलिंस आखिर में कर्ब स्टॉम्प लगाते फिन बैलर को, चढ़ते हैं लैडर के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट को उतारते हैं और काफी तेज हंसते हैं भैया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया और उन्हें मिलने वाली टाइटल अपॉर्चुनिटी। फिर वो बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं और वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ में वापस आ चुका है और मंडे नाइट रॉलिंस काफी जल्दी WWE चैंपियन भी बनने वाला है। और ऐसा नहीं है कि हमने सर्वाइवर सीरीज से पहले कभी टाइटल चेंजेस नहीं देखे, ऐसा एक बार नहीं ऐसा लाखों हजारों बार हो चुका है। मैच एक्चुअल में कब होने वाला है, ये इस हफ्ते होगा या फिर अगले हफ्ते होने वाला है, उसके बाद वाले रॉ में होगा ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन क्या सर्वाइवर सीरीज से पहले सेथ रॉलिंस चैंपियन बन पाएंगे, क्या सर्वाइवर सीरीज में होगा रोमन वर्सेस सेथ के बीच मैच, ये चीज जरूर काफी ज्यादा यू नो बड़ी होने वाली है। और भाई ये थे आज की मंडे नाइट रॉ की एक मेन हाईलाइट। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग कर देना नीचे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और सही बता रहा हूँ सीजन प्रीमियर को देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन सा हो गया और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाला टाइम है ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए, मिलता हूँ आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय टेक केयर।